सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रफ एंड टफ राइडर एंड इट इज अ बाइक और आज एक्सट्रीम 125 आर में हमने मॉडिफाइड किया जो फुल मॉडिफाइड है और इसके साथ हमने जो है ना कुछ नया यूनिट सा भी सामान लगाया जैसे टैंक पैड भी हमने चेंज कर दिया प्लस वाइजर में एक छोटा सा लोगो आता है वो भी हमने लगा दिया है और भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया है जो अगर वीडियो आपको अलग अलग मिले और जो आपको पसंद हो आप करा सकते हो। ये फुल मॉडिफाइड है, आप डेमो के तौर पर आप चाहो तो उसमें आप क्रैश गार्ड लगवा सकते हो, लेमिनेशन करा सकते हो, एक एक काम भी आप करा सकते हो। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें कि आपको नया नया वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहता है। एक्सट्रीम 125 आर का जो हमने मॉडिफाइड किया ये देख सकते हो, यूनिक सा लुक हो गया और हेवी के मामले में हो गया ये आपको क्रैश गार्ड प्लस वाइजर वगैरह पूरा कम्प्लीट हमारा लग चुका है। एक एक करके मैं बता दूं क्या क्या मॉडिफाइड किया हमने। पहले हमने ये वाइजर लगाया जो आपका ब्लू कलर का टेप लगाया और ये लोगो जो हमने ये लगाया देख सकते हो खुद कुछ बेहतरीन इससे लुक भी हो जाता है, लगेगा कि प्रीमियम क्वालिटी है। इससे कलर में हमने लोगो वगैरह लगा के पूरा कंप्लीट कर दिया। विंगलेट भी लगाया है जो ब्लू कलर हल्का मैच करता हुआ बहुत ही बेहतरीन क्लासिक सा लुक हो जाता है इससे। और नेक्स्ट आइटम हमने इसमें लगाया है एडीबी क्रैश गार्ड जो हमारा खुद का क्रैश गार्ड है और काफी हेवी क्वालिटी है। जो लास्ट में मैं दिखा दूंगा जो हमारे भैया कम से कम 2-3 महीने पहले उन्होंने लगवाया था और एक दो बार गिर भी चुके हैं तो वो बताएंगे कि हाँ कैसा मेरा क्रैश गार्ड काम किया है। ये एडीबी क्रैश गार्ड 4 स्लाइड के साथ लगा। फिटमेंट की बात करें तो एक फिटिंग इसकी यहाँ पे आ जाती है जो देख सकते हो आप, दूसरी हमारी यहाँ आ जाती है और तीसरी इसकी यहाँ पे आ जाती है। पूरे फुल अटैचमेंट के साथ आपको ये क्रैश गार्ड हमने लगाया है। और नेक्स्ट आइटम हमने लीवर गार्ड भी लगाया जो आप देख सकते हो, गिरने पे हमारा लीवर वगैरह पूरा फुल प्रोटेक्ट करता है। मोबाइल होल्डर भी CNC वाले लगाए हैं जो देख सकते हो फुल रोटेट के साथ है। मोबाइल होल्डर आपको जैसे दिल कर वैसे रख के आप यूज कर सकते हो। और इसके साथ हमने लगाया टैंक पैड जो हीरो का ही, ये देख सकते हो टैंक पैड थोड़ा क्रोम सेट में है और इसका लुक बहुत ही, और लुक के अलावा इसका क्वालिटी भी बहुत जानदार आपका ही आ जाता है। हाई पैड हमने लगाया जो लंबे रूट पे जाते हैं ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो फिसल जाते थे, वो नहीं फिसलेगा हमारा ये हाई पैड से और इसके स्क्रैचेज वगैरह भी बचाता है। और ये हाई पैड के ये खासियत है, बाय द वे कभी इसको हटाते भी हो तो इस पर डबल टेप फिर दोबारा लग के ये आपका हाई पैड फिर दोबारा काम कर जाएगा, कभी भी ये खराब नहीं होता। वन टाइम पैसे खर्च करो हमेशा ये काम करता है। लेडीज फुट रेस्ट हमने लगाया है दोनों मॉडल, एक साइड में साइलेंसर प्रोटेक्ट के लिए ये लगाया है, ये साइलेंसर पे लोग अब पैर रख देते थे अब नहीं रखेंगे ये, और गिरने पे हमारा साइलेंसर वगैरह पूरा फुल बचाता है। और इसके साथ दूसरे साइड में हमने लगाया ये देख सकते हो आप लेडीज फुट रेस्ट जो मैं आपको दिखा दूँ, ये लेडीज फुट रेस्ट ये लगाया है, ये भी प्लग एंड प्ले और ओरिजिनल फिटिंग के साथ ये आ जाता है ये आपका फुट रेस्ट। और नेक्स्ट आइटम हमने लगाया है ब्रेक चप्पल जो मैं आपको दिखा दूँ, ये ब्रेक चप्पल आ गया, ये भी आपको प्लग एंड प्ले सिस्टम हो जाता है और थोड़ा सा ये चौड़ा हो जाता है, इससे आपको ब्रेक का एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल ये आपका ब्रेक वगैरह मारने में हो जाता है। ये टॉप ब्रेक लगाया हमने स्मॉल वाले जो नीचे वाले आता है, 4 नट खोला और कंपनी फिटिंग हमने ये टॉप ब्रेक लगाया। बैकरेस्ट भी ऐड कर दिया है गद्दी वाले, ये आपको डाई वाले जो ये बैकरेस्ट है और एक फॉर्म वाले आते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ये सबसे अच्छी है और लुक भी अच्छा आ जाता है इसके कारण हमने ये लगाया है। ये था हमने जो एक्सट्रीम 125 आर में मॉडिफाइड किया, और भी कुछ मॉडिफाइड कराना हो जैसे फोक लैंप भी मैं दिखा देता हूँ जो हमने लगाया है। फोक लैंप भी डबल लेंस में 2 LED फीचर आई में फोक लैंप लगाया हूँ मैं, आपको रोशनी वगैरह चेक करा देता हूँ। भाई ये हमारा फोक लैंप है जो इसमें डबल भी है और आपका जो येलो व्हाइट दोनों है ऑप्शन आ जाते हैं जो मैं आपको जला कर दिखा देता हूँ। पहले तो आप ये देख सकते हो आपका ये डबल हो गया, ये डबल लेंस में आपका आ गया प्लस आपको ऑफ हो गया और ये आपका येलो हो गया जो ब्राइटनेस में आपको चेक करा दो, काफ़ी हेवी ब्राइटनेस इससे हो जाता है, काफ़ी हेवी ब्राइटनेस हो गया, ये आपका येलो हो गया प्लस ये आपका फ्लैशिंग हो गया, ये आपका येलो व्हाइट हो गया और ये व्हाइट हो गया, आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको जो दिल करे वहाँ पे चला सकते हो, ये आपके ऊपर है जो इच्छा करे आप फोक लैंप चला सकते हो, रोशनी जबरदस्त इस फोक लैंप का आ जाता है। तो ये था हमने जो एक्सट्रीम 125 आर में जो मॉडिफाइड किया। बाकी भैया से बात करते हैं कि ये 2 महीने पहले जो क्रैश गार्ड लगवा के गए थे इनका जो क्रैश गार्ड का जैसे लगाने से फायदा हुआ है नुकसान हुआ। सो ये था जो हमने एक्सट्रीम 125 आर में जो मॉडिफाइड किया। बाकी अब हमारे भैया 2 महीने पहले जो क्रैश गार्ड लगवाते हैं इनसे ही पूछते हैं कि हाँ ये क्रैश गार्ड लगवाए हैं तो कैसा इनका रिव्यूज हुआ और कैसा इनका काम किया। ये हमारे भैया भी, आपका नाम क्या भैया? सलमान। सलमान भाई हमारे हैं, ये कितने दिन हो गए होंगे अपना? 2 महीने। 2 महीने हो गए होंगे लगाए हुए। बाकी भाई जैसे ये क्रैश गार्ड लगा के गए हो तो उसके बाद क्या बोलते हैं ये कैसा रहा ये बता दो। बहुत अच्छा कम्फर्टेबल हुआ इससे,
उन्हें टूटने से टूट जाते, खत्म हो जाता अगर ये ना होता तो, इसकी वजह से बची है थोड़ा। और कितने बार गिरी है ये बता दो पहले। 9-10 बार गिर गई कम से कम। 9-10 बार गिरा दी है जमी तो इसकी वजह। और बाकी ये बताओ, पहले भी काम कराए अभी भी कराए, कैसा लगा आप हमारे? पहले अच्छा लगा तो दोबारा आ गए। अच्छा, और बाकी कहाँ से आए हो आप? नोनी। नोनी से आए हुए जो मॉडिफाइड कराने हैं, और ये हमारे सलमान भैया का जो इन्होंने काम कराया था, इनका एक्सपीरियंस रहा। और ये क्रेस गार्ड कम से कम कह रहे 8-10 बार इन्होंने गिरा चुके हैं, इस वजह से इनका एक्सपीरियंस रहा। और क्वालिटी के मामले में तो आप देख ही सकते हो, 2 महीने बाद भी ऐसे ही आपका क्वालिटी आ जाता है। ये था जो एक्सट्रीम 125 आर में जो हमने मॉडिफाइड किया। अगर आपको शॉप पे आना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा लिंक डाला हुआ है, और अगर कोरियर से मंगाना तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा है, कॉन्टेक्ट करके आप कोरियर से मंगा सकते हो। आज के लिए इतने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडिफाइड के साथ। बाय बाय।